नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि इमेज का साइज कॉम्प्रेस कैसे किया जाता है, यानी कि इमेज को डिस्टर्ब ना करते हुए, उसका पिक्सल डिस्टर्ब ना करते हुए बस उसका साइज कॉम्प्रेस करना है। साइज कॉम्प्रेस करने से काफी फायदा होता है और इसका काफी गुड इम्पैक्ट पड़ता है हमारे वेबसाइट पे और जहाँ पे भी हम इमेज यूज कर रहे हो, मतलब इमेज जैसे कि वैसे होनी चाहिए, बस उसका साइज कॉम्प्रेस होना चाहिए। इन शॉर्ट, अगर आपकी इमेज 1000 KB की हो, 1000 KB की हो, तो उसको हमें कॉम्प्रेस करने को उसके 500 KB में, 200 KB में, 300 KB में जितना कॉम्प्रेस हो सके उतना हमें उसको कॉम्प्रेस करना है। और वो कैसे किया जाए ये आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमें देखना होगा, इमेज फोल्डर ओपन कर दिया, देन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखो यहाँ पे जो एक इमेज है वो है BG1 करके। BG1 करके का जो साइज है वो 621 KB है। तो ये साइज को हमें कॉम्प्रेस करना है, मतलब ये ऑलरेडी कॉम्प्रेस साइज है और उससे भी हमें और कॉम्प्रेस करना है, यानी कि जितना कॉम्प्रेस हो सके इमेज का साइज उतना हमें कॉम्प्रेस इमेज यूज करनी होती है। तो उसको कैसे किया जाए, सबसे पहले आपको जाना होगा गूगल पे। गूगल पे जाने के बाद आपको करना है कि इमेज साइज कॉम्प्रेसर, आपको काफी सारे ऐप ओपन हो जाएंगे इमेज साइज कॉम्प्रेसर के, आपको जाने का है टीनी पीएनजी में। यहां पे आने के बाद आप क्लिक करने पे आप सिलेक्ट भी कर सकते हो आपको जो इमेज चाहिए वो, या फिर आप डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। वो कैसे, 621 मैंने कर दिया ड्रैग एंड ड्रॉप, ये पहले था 635 KB का, अभी देखो कॉम्प्रेस होने के बाद कितना होता है। ओ वाव, 275 KB, अराउंड उसने 57% हमारा कॉम्प्रेस कर दिया, यानी 360 KB हमारा जो था वो कॉम्प्रेस कर दिया। ये कॉम्प्रेस होने के बाद जो भी इमेज होता है ना उसमें कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होता है, यानी कि ये इमेज हमें डाउनलोड करना होगा। इसके दो अल्टरनेटिव ऑप्शन है, या फिर आप ड्रॉप बॉक्स पे सेव कर सकते हैं, या फिर डाउनलोड ऑल करके आप अपने लैपटॉप में सेव कर सकते हैं। शो इन फोल्डर, ओपन इट, आप देख सकते हो उसका साइज कितना हो चुका है। मैं इसको कट कर देता हूं, कॉपी देन पेस्ट, रिप्लेस करता हूं। आप देख सकते हो BG1 का साइज कितना हो गया अभी, 270 KB। ओके, तो इस तरह से आप इसका साइज कॉम्प्रेस कर सकते हो। मैं और आपको एक एग्जांपल दे सकता हूं एग्जांपल के तौर पे। एक BG3 करके ऑप्शन है, अगर मान लो कि ये एक बैकग्राउंड है, इसका BG2 नेम है, इसको हमें कॉम्प्रेस करना है। ये ऑलरेडी कॉम्प्रेस फाइल है 25 KB की, और इससे भी हमें कॉम्प्रेस करना है, तो उसको कैसे किया जाए, सिंपली पैंडा में आइए, देखिए इसका और भी साइज कॉम्प्रेस कर दिया गया है, यानी कि 25 KB था तो अभी कितना हो चुका है, 11 KB ओनली। ठीक है, तो टोटल 40 KB जो है इसने कॉम्प्रेस कर दिया, मतलब हाफ साइज इसने कॉम्प्रेस कर दिया। चलिए देखते हैं अभी इमेज में कुछ फर्क गिरा है क्या। देखो इमेज में कोई भी इम्पैक्ट नहीं हुआ, इमेज एज इट इज है,
बस उसका साइज जो है वो कॉम्प्रेस किया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों ऑलवेज जहां पे भी आप इमेज यूज कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपके इमेज की साइज कॉम्प्रेस की है या नहीं है।